नए साल में आप सबसे पहली बार मुलाकात हो रही है, इसलिए सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ब्लैक एंड व्हाइट का पहला एपिसोड आपके सामने पेश होगा और शुरुआत हम एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ कर रहे हैं। दिल्ली में एक 20 साल की लड़की 1 जनवरी की रात को अपना काम फिनिश करने के बाद वापस घर लौट रही थी अपनी स्कूटी पर, और 5 लोग शराब के नशे में अपनी गाड़ी में जा रहे थे लाउड म्यूजिक सुनते हुए। दोनों की आपस में टक्कर हुई और उसके बाद टक्कर इस तरीके से हुई कि इस 20 साल की लड़की का जो शरीर है ये कार के नीचे पहिए के पास अटक गया, और ये कार लड़की को ऐसे ही लेकर लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर ऐसे ही चलती रही, उसको घसीटती रही और आखिर में लड़की की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इससे एक और सवाल भी पैदा होता है। एक तो सुरक्षा का सवाल तो है ही कि 12-13 किलोमीटर ये गाड़ी चलती रही जिसके नीचे एक लड़की फंसी हुई है, और पुलिस में किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, कोई बैरिकेड नहीं आया। लेकिन बड़ी बात यह है, हमारे देश में जो कार है अब वो बार बनती जा रही है। आपने नाम सुना होगा कार ओ बार, ये वो कारें होती हैं जिनमें बार खुल जाते हैं। आजकल हमारे देश की कारें चलता फिरता नाइट क्लब बन गई है। नाइट क्लब में क्या होता है, शराब है, नशे में धुत लोगों का शोर शराबा है और लाउड म्यूजिक है, और कारों में भी यही सब हो रहा है। कार हमारे देश में अगर आप समझें तो अब यातायात का साधन कम है और बार ज्यादा बन चुकी हैं, मनोरंजन और अपराध का जरिया ज्यादा बन गई है। तो कारों के जरिए देश में अपराध बढ़ रहा है, जिसे लेकर हमें कोई नया कानून लाना पड़ेगा। इसके बाद नोटबंदी की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर सरकार को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की पूरी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं पाई। अब सोचिए, दुर्भाग्य है कि हमारे देश में लोग इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। नोटबंदी हुई थी 2016 में, आज से 6 साल पहले, और फैसला आ रहा है अब 6 साल के बाद, और 6 साल के बाद हमें यह पता चलता है कि नोटबंदी सही थी। आपको याद होगा रफाल की जो डील थी वो भी सुप्रीम कोर्ट में गई, क्लीन चिट मिली। राम मंदिर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबा मामला चला। पेगासस को लेकर भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो हमारे देश में अब विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि सरकार कोई भी बड़ा फैसला करेगी वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे। ये हमें लगता है कि एक टू मच डेमोक्रेसी, जिसे जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र, जहां लोग न्यायिक प्रक्रिया का भी दुरुपयोग करने लगते हैं, ये वो केस है। और बड़ी बात यह है कि विपक्ष के जो लोग हैं और एक खास वर्ग हमारे देश का, जो 5 जज थे, 5 जजेस की बेंच, उसमें से 4 ने नोटबंदी को सही पाया, 1 ने गलत पाया। लेकिन जिस जज ने गलत पाया, जिसने कहा कि यह पार्लियामेंट के जरिए होना चाहिए था, लोग उस जज को शाबाशी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई। तो अब इस देश में किसी पर भी लोगों को विश्वास नहीं रहा, ना सरकार पर रहा ना सुप्रीम कोर्ट पर रहा। सरकार कुछ कहती है तो लोग कहते हैं सरकार, गवर्नमेंट बिक गई, और सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो लोग कहते हैं अदालतें भी बिक गई। इसका विश्लेषण करेंगे। और आखिर में जैन धर्म के प्रतिनिधियों की तरफ से उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा है, ये पत्र, जिसमें उन्होंने मांग की है कि झारखंड में जो जैन धर्म का सम्मेद शिखर जी, उनका धर्म स्थल है, उसे सरकार ने एक पर्यटक स्थल, पर्यटक क्षेत्र घोषित कर दिया, जिसका वो विरोध कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि सम्मेद शिखर जी को एक तीर्थ क्षेत्र ही बनाए रखना चाहिए। तो हमारे दर्शकों ने जब हमसे इतनी उम्मीद बांध कर रखी है, हम पर इतना विश्वास किया है, तो हम भी उनके लिए ये करेंगे। आज जैन धर्म के इस पवित्र तीर्थ स्थल के बारे में हम ये पूरा मुद्दा उठाएंगे आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में। आज तक